हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम टू अन एकेडमी सेपियंस यूट्यूब चैनल दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं लाइव हूँ ऑडिबल हूँ विजिबल हूँ एम आई लाइव बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेलकम टू दिस सेशन ओके तो आई एम लाइव हेलो सभी लोग कैसे हो आप लोग आज हम करने वाले हैं एनिमल किंगडम के एम सी क्यू जैसा मैं एक दिन पहले आपको बता ही दिया था कल का टॉपिक अभी से बता दे रही हूँ बेटा मॉर्फोलॉजी ऑफ दी फ्लॉरिंग प्लांट ठीक है तो बहुत मज़ा आने वाला है बहुत बढ़िया एम सी क्यू प्रैक्टिस करेंगे ये एम सी क्यू प्रैक्टिस बेटा कुछ ऐसे हैं कि अगर हम इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंसेपच्चुअल एम सी क्यू सीरीज़ इसे क्या बोला जाता है कंसेप्चुअल एम सी क्यूज तो चलिए आज का सेशन शुरू कर देते हैं फिर क्या आप लोग रेडी हो हाँ एन सी आर टी बेस्ड होगा कुछ अच्छा होगा तो भी बताऊंगी चलिए बहुत अच्छे तो शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग बेटा जब भी आप अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो कोई ड्रॉपर का ले रहा है ट्वेंटी थ्री का ले रहा है नीट ट्वेंटी टू का ले रहा है तो कोड यूज करना है आपको डॉक्टर प्रणाली लाइव इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और साथ में टेन परसेंट जो ऑफ मिलता है वो तो मिलेगा ही और साथ में मेरी बिल्कुल पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी ये मेरा बैच है इस बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है बिल्कुल ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर से नीट ट्वेंटी टू के लिए बैच है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा सब कुछ नीट के लेवल पे कवर होगा इतने प्यारे तरीके से कवर होगा कि आप लोगों को भी बिल्कुल मज़ा आ जाएगा तो अगर आप ढूंढ रहे हो कि मैम हम कौन सी बैच ज्वाइन करें जहाँ पे नीट ट्वेंटी टू का बढ़िया प्रिपरेशन हो जाता है तो देन दिस बैच इज़ फॉर यू कोटा के बहुत फेमस टीचर्स हैं और बायोलॉजी तो मैं पढ़ा ही रही हूँ ठीक है और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ मेरी एक और बैच है ये भी बैच है बेटा नीट ट्वेंटी थ्री की इसमें भी मैं आपको जोलॉजी पढ़ा रही हूँ अमित सर बढ़िया बॉटनी पढ़ा रहे हैं निखिल सर आशीष सर पंकज सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ठीक है थेके? तो चलिए आज का सेशन शुरू कर देते हैं फिर हम लोग आज हम एनिमल किंगडम करने वाले हैं पहले फिलिंदा ब्लैंक्स करेंगे थोड़े से और फिलिंदा ब्लैंक्स के बाद क्या करेंगे बिल्कुल फिलिंदा ब्लैंक्स के बाद फिर हम ट्रू फॉल्स एक एक करके सारी चीजें करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एनिमल किंगडम क्या टॉपिक है बेटा एनिमल किंगडम तो चलिए हमारे एनिमल किंगडम के सभी कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं चलिए बेटा लेट अस स्टार्ट व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करता है इसको क्या बोलते हैं वॉट इज दिस फिन नोन एज इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं वेरी गुड देखो जब एनी प्लेन आता है ना तब आप क्या लिखोगे रेडियल सिमेट्री जब आएगा ना ओनली वन प्लेन डिवाइड कर सकता है तब लिखोगे आप बायटरल सिमेट्री चलिए क्वेश्चन नंबर टू सेकेंड वाला फिलअप बता दो जल्दी से एनिमल्स लाइक एनलीड आर्थोपोडा जहा पे बॉडी लेफ्ट और राइट right में डिवाइड होती है ओनली वन प्लेन अभी आंसर बताया जब एक ही प्लेन में होती है तो उसे क्या बोलते हैं एक ही प्लेन में जब होती है तब उसे बायलेट्रल सिमेट्री बोलते हैं सेकेंड का क्या हो जाएगा बायलेट्रल सिमेट्री ठीक है टीनोपोरा में बॉडी बियर्स डैश एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन जो किस में मदद करता है लोकोमोशन में मदद करता है ठीक है तो ये क्या हो जाएंगे कितनी रोज़ हैं बेटा एन सी आर टी अब साफ लिखता है जल्दी से बता दो कितनी रोज़ होती है और सेशन कोई लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में शेयर भी कर सकते हो अपने जो ग्रुप्स हैं ना उनमें शेयर कर दो एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिल्प्लेट्स ठीक है सब इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें बता रही एक्वेटिक एनालीड्स हैं जैसे निरीज है इनके पास लेटरल अपनडिजेस होती हैं इन लेटरल अपनडिजि सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक एनालीड्स में मिलती है मतलब ऐसे एनालीड्स जो पानी में रहते हैं ना वहीं मिलते हैं बताओ फिर हाँ तो इनमें जो स्विमिंग के लिए जो लेटरल होते हैं उसे क्या बोलते हो इसे पैरापोडिया बोलते हो दो बातें ध्यान रखने की है कि एनालीड्स में मिलती है वो भी जो पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनालीड्स एग्जाम्पल नीरीज ये लेटरल होती है बॉडी के इधर उधर होती है ना कहीं डॉसल वेंट्रल लिखा है तो गलत लिखा है और किस में मदद करती है स्विमिंग में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज कॉल्ड रेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा रेड्यूला कहाँ पर प्रेजेंट है रेड्यूला वेरी गुड रेड्यूला कौन सी फाइलम में प्रेजेंट है ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बेटा यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं हम ये मोलस्का में प्रेजेंट है ये वेरी गुड बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट इकाइनोडर्म है उसकी क्या सिमेट्री है और जो हमारा लार्वा है उसकी क्या सिमेट्री है इसको याद करने का आपको एक तरीका बताया था ना वॉट वॉज द वे टू लर्न इट वेरी गुड बहुत अच्छा ठीक है तो जो एडल्ट इकानोडर्म होगा ए आर मैंने बोला ना कैसे याद करना है जैसे अजर्शन रीजन तो ए आर तो जो एडल्ट होता है वो रेडियल होता है और जो लार्वा होता है वो क्या होता है बायलेटरल होता है वेरी गुड बहुत अच्छे इट इज बाय लार्वा हो जाएगा बायलेटरल ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ इन एम्फीबिया हार्ट इज डैश चेंबर्ड एम्फीबिया में हार्ट कैसे चेंबर्ड है हार्ट के कितने चेंबर हैं तो इसको भी याद करने का तरीका था कि ऐसे लिखते हैं परम पी ए आर ए एम पी का मतलब पाइसिस ए का मतलब एम्फीबिया आर का मतलब रेप्टाइल ए का मतलब एव्स एम का मतलब मैमल ठीक है इसके दो चेंबर तीन चेंबर तीन चेंबर चार चेंबर चार चेंबर तो एम्फीबिया के कितने हो गए तीन तो सेवेंथ का क्या आंसर हो जाएगा सेवेंथ का आंसर हो जाएगा थ्री बहुत अच्छे यार बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो बेटा नेक्स्ट स्पॉन्ज में कौन से सेल होते हैं जो मेंटेन करते हैं करंट ऑफ दी वाटर एनसीआरटी क्या बताती है कौन से सेल्स प्रेजेंट है विच सेल्स आर प्रेजेंट जो प्रेजेंट है दे आर कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है हाँ, कोएनोसाइट्स मतलब कॉलर सेल्स जो स्पॉन्जोसील को क्या करते हैं लाइन करते हैं बहुत अच्छे तो हमने एट एम सी एट ट्रू वो कंप्लीट कर लिए बेटा फिलअप अब हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स ठीक है ट्रू फॉल्स से हमें एक वर्ड टू वर्ड एनसीआरटी का क्लियर होता है तो चलिए ट्रू फॉल्स करते हैं ठीक है ट्रू फॉल्स पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन पैरापोडिया आर द लेटरल इन आर्थोपोर्ट्स क्या अभी बताया था ना आर्थोपोर्ट तो में नहीं होती है ये तो एनील में होती है तो इसका मतलब होगा फॉल्स इसका क्या मतलब होगा फॉल्स पहला क्वेश्चन हो गया दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू रेड्यूला इन मोलस्क आर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन दी एक्सक्रीशन जो रेड्यूला मोलस्का में प्रेजेंट होता है क्या वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है क्या बताओ बेटा आप प्राइवेट से होम्योपैथी कर लो तो बेटा रेड्यूला किस में मदद कर रहा है रेड्यूला किस में मदद करता है ये भी आपको बताना है सेकेंड भी फॉल्स से, है क्योंकि वो एक्सक्रीशन में मदद नहीं करता है रेड्यूला डज नॉट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री सर्क्युलेटरी सिस्टम इन आर्थोपोर्ड इज क्लोज टाइप क्या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आर्थोपोडा का क्लोज होता है क्या वेरी गुड बेटा रेड्यूला एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जो फीडिंग में हेल्प करता है किसमें हेल्प करता है फीडिंग में एक्सक्रीशन में नहीं करता है मैं ये भी समझा रही हूं कि फॉल्स क्यों है आर्थोपोड का ओपन टाइप का है इसके पास आर्टरीज वेन ब्लड कैपिलरी नहीं है इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स द पेल्विक फिन ऑफ फीमेल शार्क बियर्स क्लास्पर क्लास्पर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं द पेल्विक फिन ऑफ फीमेल शार्क बियर क्लास्पर्स ठीक है तो बेटा ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि क्लास्पर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं मेल में प्रेजेंट होते हैं ना कि फीमेल में तो क्या अब आप इस चीज को समझ रहे हो कि ट्रू फॉल्स से हमारे कंसेप्ट कितने ज्यादा क्लियर हो जाते हैं ठीक है नेक्स्ट बेटा नदीम तुम्हें ऑल इंडिया से मिल सकता है इन ओबेलिया पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा सेक्शुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप्स ए सेक्शुअली फिफ्थ का क्या आंसर है तो मैंने फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है इसको लर्न करने को भी आपका एक तरीका बताया है ठीक है क्या तरीका है बताओ तो ये तरीका है बेटा फिफ्थ को याद करने का कि मैंने बोला था कि अपने दोस्त को पम्पम -पम बना बुलाना शुरू कर दो पम्पम -पम का क्या मतलब है पी से पॉलिप एम से मेड्यूसा मतलब जब पॉलिप से मेड्यूसा बनता है तो ए का मतलब ए सेक्शुअली बनता है ठीक है तो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्शुअली नहीं ए सेक्शुअली इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स तो पॉलिप क्या बनाएगा मेड्यूसा बनाएगा ए सेक्शुअली ना कि सेक्शुअली उल्टा पॉलिप मेड्यूसा को ये मेड्यूसा पॉलिप को कैसे बनाएगा सेक्शुअली ठीक है बेटा क्लियर हो रहा है कि नहीं सब कुछ नेक्स्ट फ्लेम सेल्स इन प्लेटी हेलमेंथिस हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन ठीक है फ्लेम सेल किस में मदद करते हैं सिक्स फ्लेम सेल जो प्लेटी हेलमेंथिस में प्रेजेंट है किसमें मदद करते हैं बिल्कुल सही है बेटा फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमेंथ इसमें प्रेजेंट है दोनों कामों में मदद करते हैं तो सिक्स का क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा चलो नेक्स्ट पे आ जाओ तीन और ट्रू फॉल्स है फिर एम सी क्यू करते हैं बेटा आओ सेवेंथ इन नॉन कॉर्डेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहा है कॉर्डेट का पता है कि डोरसल होलो और सिंगल होता है है ना नॉन कॉर्डेट का क्या होता है बेटा बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा इसमें बताया है दैट इज ट्रू निमेटोसिस्ट आर कैरेक्टराइ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम निडेरिया निमेटोसिस्ट निडेरिया में प्रेजेंट है क्या क्वेश्चन नंबर एट

चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ मिलीपिड्स हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ दी बॉडी मिलीपिड्स में क्या होते हैं मिलीपिड्स एक टाइप के आर्थोपोड है मिलीपिड्स हैव टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ दी बॉडी तो मिलिपिड क्या होते हैं बेटा फ्लैट सिलेंड्रिकल होते हैं ठीक है हर सेगमेंट में दो पेयर ऑफ दी शॉर्ट लैग होते हैं ठीक है तुमने मिलीपिड को देखा है क्या कैसे दिखता है जैसे एक मिलीपिड में तुम्हें डायग्राम बताऊं कैसे दिखता है एक टाइप का वो होता है ये देखो ध्यान से ये है ना हर सेगमेंट में कितने पार्ट ऐसे टू पेयर ऑफ दी अपेंडिजेस होंगे हर सेगमेंट में ठीक है मिलीपिड में चलिए अब हम क्या करते हैं कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ शुरू करते हैं एमसीक्यू पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन कॉडेट का कैरेक्टर कौन सा है बेटा क्वारेट का कैरेक्टर कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ क्वारेट क्वारेट के पास होती है पोस्ट एनाल टेल के पास क्या होगा पोस्ट एनाल तेल होगा नेक्स्ट मालफीजन ट्यूब्यूल्स आर मालफीजन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ठीक है मालफीजन ट्यूब्यूल आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ दी इंसेक्ट एक्सक्रीशन में मदद करते हैं मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू मेल और फीमेल कॉकरोचेस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये मेल कॉकरोच है ये फीमेल कॉकरोच है कैसे पता चलेगा तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो मेल्स होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं बहुत स्टाइल मारते हैं ना गॉगल्स वॉगल्स लगा के तो बस एनल स्टाइल किस में प्रेजेंट होगी मेल में प्रेजेंट होगी ना कि फीमेल में प्रेजेंट होगी तो इट इज प्रेजेंट इन एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन दी मेल सॉरी बेटा एक मिनट हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर वीनम ऑफ कोबरा अटैक कोबरा अगर आपको काट लेता है है ना ना तो वीनम ऑफ दी कोबरा सबसे पहले कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा बॉडी का अगर वो जहर हमारी बॉडी में आ जाता है तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है है ना सबसे पहले कौन सा सिस्टम होगा नर्वस सिस्टम विल बी अफेक्टेड वॉट इज कॉमन इन वेल बैट और रेट वेल में बैट में और रेट में कौन सी चीज कॉमन है बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो देखो बेटा ये भी मैमल है ये भी मैमल है ये भी मैमल है मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये सब क्या है मैमल है मैमल में क्या सिमिलैरिटी होती है एक मसल का डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो थोरेथिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है तो ये सभी मैमल्स है तो सभी में क्या मिलेगा डायफ्राम मिलेगा वेरी गुड असद रौनित पलक अजीता विशाल देवशीष नित्या आरती कल्याणी सिद्धू वेरी गुड चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ सिक्स ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या होगा सभी वर्टिब्रेट्स में एक चीज कॉमन है है बताओ ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस तो जो ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होगा डोरसल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा क्या प्रेजेंट होगा डोरसल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सॉलिड नहीं होगा वेंट्रल नहीं होगा है ना याद रखना अब जरूरी थोड़ी है सब में फेरेंजियल पेयर्ड फेरेंजियल होना चाहिए जरूरी नहीं है सब में चार हो दो भी होते हैं तीन भी होते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ वॉट इज ट्रू अबाउट ओल स्पोंजेस विदाउट एक्सेप्शन कौन सी चीज सभी में मिलती है बिना एक्सेप्शन के सभी स्पॉन्जेस में क्या प्रेजेंट है वेरी गुड सोनारिका सिद्धू नीलेष सागर पूर्वा रौनित जफर विश विशाल पलक अजीता साक्षी शबीर यवार अनु तुपुर देवशीष, वेरी गुड नित्या तुपुर दे हैव फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल सभी में होंगे कैरेक्टरिस्टिक शेयर्ड बाय ऑल शेयरपोड सभी आर्थोपोर्ड में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर सभी आर्थोपोड में कौन सा प्रेजेंट है जॉइंट अपेंडेजेस सभी आर्थोपोर्ड में प्रेजेंट है आर्थोपोड का मतलब ही क्या होता है आर्थो मतलब होता है जॉइंट पॉड्स मतलब होता है अपेंडेजेस तो जॉइंट अपेंडेजेस सब में प्रेजेंट होंगे ऑक्टोपस के पास आठ आर्म्स हैं किसको बिलोंग करता है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है आर्थोपोडा इट बिलोंग्स टू सिफेलोपोडा इट बिलोंग्स टू सिफेलोपोडा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग रेलेटिव ऑफ मैन मैन का क्लोजेस्ट रेलेटिव है मैन हम हमसे सबसे क्लोज कौन है सबसे ज्यादा कौन रिजेंबल करता है इट इज चिंपांजी कौन रिजेंबल करेगा सबसे ज्यादा चिंपेंजी रिजेंबल करेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टेडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट जो टेडपोल है बेटा फ्रॉग का उसके पास क्या होती है रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होती है तो ये गिल्स का क्या रोल है गिल्स का क्या फंक्शन है ये आपको बताना है ठीक है तो मतलब क्यों होती है तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि पहले आते हैं पाइसेस मतलब फिशेस फिर आते हैं एम्फीबियन फिशेस किससे रेस्पिरेशन करती है गिल्स से ठीक है और अगर कोई एम्फीबियन भी गिल्स से कर रहा है तो ये बता रहा है कि जो फ्रॉग हुए हैं गिल्ड एनसेस्टर से प्रोड्यूस हुए हैं प्यूपा ऑफ मस्किटो स्कॉल्ड मस्क्यूट मस्किटो के प्यूपा को क्या बोलते हैं आउट ऑफ एनसीआरटी क्वेश्चन है किसी एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए मैं पूछ रही हूं प्यूपा ऑफ मस्किटो इस कॉल्ड इसे बोलते हैं टम्बलर इसे क्या बोलते हैं टम्बलर ये हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं पता हो इसको अपनी बुक में नोट कर लो ठीक है यू कैन नोट इट डाउन बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिपलो इसमें से ट्रिपलो प्लास्टिक कौन सा है बताओ बेटा इट इज प्लेटवॉम क्या तुम थोड़ा इसके बारे में सोचो कि देखो पोरीफेरा तो होता है सेलुलर इसके पास तीन जर्म लेयर कैसे होगी सिलेंड्रेट और टीनोफोर होते हैं टिश्यू लेवल इनके पास भी नहीं है यहाँ से तो ऑर्गन आना शुरू हुआ तो तीन जर्म लेयर किसके पास होगी फ्लैट वॉर्म के पास होगी विच विल यू लुक फॉर टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग किसी का सेक्स आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे ठीक है तो पोस्टीरियर एंड होता है क्या नहीं मेल का होता है पोस्टीरियर एंड ऐसा कर्व मेल फ्रॉग में अपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट नहीं फीमेल कॉकरोच नहीं कॉकरोच में तो मेल के पास एनल स्टाइल होती है इसीलिए पहचानते हैं सही कौन सा है कि जो मेल शार्क होती है उसमें क्या होते हैं क्लासपर्स होते हैं पेल्विक विन पे ना तो मेल शार्क के पास क्लास पर होते हैं ये हमेशा हमको याद रखना है बाकी सारे तो गलत है फिफ्टींथ पे आ जाएंगे हम लोग टोटली रॉन्ग अबाउट अकरेंस ऑफ दी नोटकॉड टोटली रॉन्ग कौन सा है एस्कीडिया में लारवल टेल में ही प्रेजेंट होती है क्या सही बात है एस्कीडिया साल्फा डोलियोलम तीनों में ये रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम इन दी एडल्ट फ्रॉग ये भी सही है हमको तो रॉन्ग बताना है बेटा जो सबसे रॉन्ग है इधर आ जाओ फिर ये पूछ बोल रही है कि इट इज एब थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन ये गलत बोल रही है लाइफ के एक पार्ट में तो बेटा प्रेजेंट रहती ही रहती है नोटोकॉड है ना इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है सिमिलर टू ईच अदर बताओ कौन सा सही है इसमें कौन सा फीचर सही है सिक्सटींथ ये सही है बेटा ये दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं ठीक है करेक्टली मैच्ड कौन सा है बिल्कुल सही सही कौन सा मैच है विच वन इज करेक्टली मैच्ड इसमें हाउस फ्लाई मतलब मक्खी बटरफ्लाई मतलब तितली सी सी फ्लाई और सिल्वर फिश भी एक टाइप का आर्थोपोडी है इंसेक्ट ही है ये सभी इंसेक्टा को बिलोंग करते है बाकी सारे गलत है बेटा ठीक है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं किसको बोलते हैं बेटा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एटीनथ बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो हम्म ये क्या हो जाएगा सोल्जर वोल्जर नहीं है एक क्या है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एटीन का आंसर कौन बताया लेट मी चेक बहुत अच्छे है ना फाइसेलिया बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने नेक्स्ट एक्सक्लूसिवली वीवी पैरस वीवी पैरस मतलब डायरेक्ट यंग वन को बर्थ दे रही है एग वैग लेनी कर रही है जो एग ले करता है वो ओ पैरस होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ठीक है तो इट इज वेल वेल क्या होती है बेटा मैमल होती है ब्लू वेल क्या है मैमल ठीक है ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं इसका आंसर बता देती हूँ चलिए अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं हमारे फेवरेट टाइप के क्वेश्चन ठीक है ये आपने ए डायग्राम देख लिया और ये बी देख लिया ठीक है ध्यान से देख लो बेटा इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शन दूसरे पेज पे हैं देख लिया डायग्राम अच्छे से कम ऑन चलिए इधर आ जाओ कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है कौन सा ट्रिप्लो है ये बताना है ध्यान से देख लो तुम लोग है ना इसमें से कौन सा डिप्लो है और कौन सा ट्रिप्लो है ठीक है चलिए आ जाइए इधर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बता दो आप दो दो बार दिखा दिया है ठीक है तो पहला वाला डिप्लो है क्योंकि उसमें मीजोग्लिया प्रेजेंट थी और ये वाला ट्रिप्लो है क्योंकि इसमें मीज़ोडर्म प्रेजेंट था ठीक है चलिए अब ए बी सी डी डायग्राम देखो और आइडेंटिफाई करो कौन सा है क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई सारे एन के डायग्राम में बताइए बहुत अच्छा बेटा ये है लोकस्ट जो एक ग्रिगेरियस पेस्ट है यह है स्कॉर्पियो यह है प्रॉन और यह है वेरी गुड चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए थ्री पे आ जाओ बेटा ये क्या है ओरेलिया ये है एडमशिया ये निडोब्लास्ट निडोसाइट्स और ये है प्लूरोब्रैकिया तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का आंसर हो जाएगा बी ठीक है मैं नीट की बिल्कुल फ्री क्लास कराती हूँ बेटा तुम अन डाउनलोड कर लो ठीक है उस पर कोड यूज करना कोड पूछते हैं वो डॉक्टर प्रणाली लाइव ठीक है ये कोड यूज़ करके अन अकेडमी ओपन हो जाएगा फिर ये यूट्यूब वीडियो जो तुम देख रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाओगे तो एक लिंक मिलेगी ऐसा लिखा है फॉलो प्रणाली मिश्रा ऑन अन अकेडमी है ना उस लिंक को क्लिक करोगे तो आज रात को उसको फॉलो कर लो रात को टेन थर्टी पे आज मैं अन अकेडमी पर एम करवाने वाली हूँ चलिए इनको आइडेंटिफाई करो ये क्या है ये क्या है ये क्या है तीनों चारों स्पॉन्जेस हैं ये कौन सा स्पॉन्ज है क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है ये पहला वाला था साइकॉन दूसरा वाला यू स्पॉन्जिया और तीसरा वाला स्पॉन्जिला क्वेश्चन नंबर फाइव आइडेंटिफाई करना है कौन सा सुडो सिलोमेट है यू सिलोमेट है मैं इसको ज़ूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शन साथ में दिखें क्वेश्चन नंबर फाइव बताओ हाय हिमांशु आ गए चलो फिफ्थ का बताओ तो कौन सा क्या है तो ये वाला हो गया सिलोमेट इसमें स्कैटर्ड पाउचेस हैं सूडो सिलोमेट और ये इसमें तो है ही नहीं तो ये हो जाएगा ए सिलोमेट ठीक है एनसीआरटी का डायग्राम था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स आइडेंटिफाई करो कौन है बेटा ये सिक्स वाला जो डायग्राम दिया है ये क्या है इसका करेक्ट नेम क्या है वट इज देक्ट नेम तो ये टेप वॉम है जिसे फ्लैट वॉम बोलते हैं फ्लैटी हेलमेंथिस ठीक है इट इज अ फ्लैट वॉम टेप वॉम फ्लैटी हेलमेंथिस नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड में भी अलग ही मजा है चलो ए बी सी को आइडेंटिफाई करो ए बी सी को आइडेंटिफाई करो ये हो गई फीमेल एस्कैरिस ठीक है जिसकी पूछ जैसी मुड़ी होती है वो होता है मेल एस्कैरिस ये हो गया निरीज ये हो गया हीरो लीच तो सेवेंथ का क्या हो गया बी हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर एट इस डायग्राम्स को पहचानो नंबर को आइडेंटिफाई करिए ये क्या है इसी से आइडेंटिफाई हो सकता है ऑक्टोपस एंड इट इज ऑफ यूरा ठीक है इसका करेक्ट नेम बताओ इसको देख लो अच्छे से डायग्राम को देख लो ऑप्शन वहां पर है दूसरे पेज पे और मुझे बता दो जल्दी से कि क्या है बेटा ये डायग्राम ठीक है तो ये है हमारा बैलिनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में एक और ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है सेकोग्लॉसिस और क्या आपको पता है कि ये एक्सक्लूसिव मराइन है ये सिर्फ खारे पानी में मिलते हैं मतलब ये सिर्फ समुद्र में मिलते हैं ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर टेन टेंथ पर आ जाओ इसमें कौन सा सही है पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट कौन थे तो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट थे रेप्टाइल्स इनमें से कौन सा रेप्टाइल ट्रू वाला है तो इट इज बी वन है ना ये ट्रू रेप्टाइल है चलिए थोड़े से थोड़ा मैच द कॉलम करें हम जरा मैच द कॉलम के लिए रेडी हो सेकंड वाली मैच द कॉलम हमको करनी है जिसके सारे ऑप्शंस साथ में दिए हैं ये मैच द कॉलम आप लोगों को करनी है ठीक है बताओ है ना कुछ मैच द कॉलम भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी इस बार मैच द कॉलम भी आए पेपर में है ना सात मैच दो कॉलम है फिर छोड़ देंगे सेकंड अच्छा तो जो कॉकरोच होता है इसमें एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं मालफीजियन टूब्यूल्स होते हैं ठीक है कैटफिश के पास क्या है किडनीज है ठीक है फिर आ जाओ अर्थ बॉम के पास क्या है नेफ्रीडिया है बैलिनोग्लोसिस के पास क्या है प्रोबोस्किस ग्लैंड है फ्लैट वॉम के पास क्या है फ्लेम सेल्स से. है जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है सेकेंड वाला समझ में आया सभी लोगों को सेकेंड का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा बहुत अच्छा रिप्लाई चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री मैच करो आप लोग जल्दी से थ्री वाला मैच करना है थ्री वाला मैच कर दो। दोनोसाइट किसमें होंगे पोरीफेरा में निडोब्लास्ट किस में होंगे में ठीक है नेफ्रीडिया किस में होंगे एनलीडा में होम प्लेट्स किस में होंगे टीनोफोर्स में और फ्लेम सेल्स किस में होंगे फ्लेटी हेलमेंट्स में तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा थर्ड का आंसर हो जाएगा डी चलिए कॉमन नेम से मैच करना है साइंटिफिक नेम को फोर्थ वाला बताओ फोर्थ पे आ जाओ बेटा फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर अभी आप लोगों ने बनाया बताया था मियड्रिना ब्रेन कोरल जॉर्जोनिया सी फैन और एडमशिया सी एनिमो इसको मैच करें क्या फिफ्थ वाले को ऑप्शंस पर नीचे होंगे चलिए कोई बात नहीं जिसके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको भी मैच कर दोगे तो काफ़ी हो जाएगा पर आ जाओ सिक्स को मैच कर देते हैं बेटा इकाइनो डरमेटा में क्या होगा एस्टेरिया सेनोफ्यूरा एमिकॉर्डेटा कौन सा होता है बैलिनोग्लासिस एंड सैकोग्लॉसिस यूरोडेटा कौन सा होता है सिफेलोकॉर्डेटा कौन सा होता है तो का क्या आंसर हो गया बेटा जी सिक्स का आंसर हो गया है आपका बी नाउ मैच दिस बेटा किस में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बहुत अच्छे देवाशीष कल्याणी अजीता विशाल असद वेरी गुड सेवेंथ सेवेंथ पे आ जाओ और बताओ जल्दी से मैच द पॉरीफेरा मतलब इनके पास क्वेनोसाइट रहेंगे ठीक है मुलस्का इनके पास क्या रहेगा बताओ बेटा रेड्यूला रहेगा फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग है ना फिर आ जाओ तीनों फोरा पे इसके पास एट सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स रहेंगे लोकोमोशन के लिए एम्फीबियंस के पास क्लोका रहेगा जो कॉमन ओपनिंग रहती है और इनके पास मेमोरी ग्लैंड तो सेवेंथ का क्या आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम प्रीवियस ईयर में आया हुआ है सेम फाइलम को कौन बिलोंग करता है सेम फाइलम को कौन करता है सारे फाइलम हाँ एक ही फाइलम को बिलोंग करने चाहिए और कौन सी है ये भी बताओ ये सब कौन है बी वाला ऑप्शन आर्थोपोड ये तो ये हो गया आर्थोपोडा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड फिश सी एनीमोन और जेलीफिश से कौन सी चीज दोनों में कॉमन नहीं है तो दोनों की जो डोमिनेंट स्टेज है ना वो अलग अलग है वो सेम नहीं है बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू सीलोम भी है रिपीटिंग बॉडी सेगमेंटेशन भी है एनलीड्स में ठीक है हाँ अब इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस बताओ है ना ये क्या अलाउ करता है किसमें मदद करता है टेन कॉम्प्लेक्स बॉडी शेप और लोकोमोट करने में बहुत अच्छे से वेरी गुड नेक्स्ट द ट्रांजिशन फ्राम एक्वेटिक टू टेरिस्ट्रियल लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल रिक्वायर्ड मैनी अडाप्टे इन दर्टिब्रेट लीनियज नॉट द एडप्टेशन कौन सा अडेप्टशन नहीं है टेरिस्ट्रियल जमीन पर रहने के लिए क्या अडेप्टशन नहीं हुआ है बेटा फोर्थ पैदल उड़ने के लिए यूज़ हुए इंसुलेशन के लिए यूज़ हुए हैं ये मैटर नहीं करता ये यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन सा एडाप्टेशन नहीं है इसके लिए एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल बनने के लिए देखो पानी में रहता था तो गिल चाहिए थे यहाँ रहना लगा ऊपर तो लंग्स तो ये तो एडाप्टेशन है वाटर रेजिस्टेंस है ना अपनी स्किन को वाटर से रेजिस्टेंट के लिए लोकोमोशन चलने के लिए ये सभी टेरिस्ट्रियल्टेशन है डी वाला नहीं है विच ऑफ दिव बर्थ टू यंग बच्चे को कौन बर्थ देता है फिफ्थ यंग वन को बर्थ दे रहा है मतलब वी वी पैरस होना चाहिए एग ले करता है तो ओ वी पैरस होता है तो कौन सा वी वी पैरस है ये वी वी पैरस है ठीक है यहाँ पे प्लेटिपस हो जाएगा आपका क्या ओवी पैरस यहाँ पे कीवी ओवी पैरस हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रिच ओवी पैरस हो जाएगा पर इसमें सभी क्या है वीवी पैरस है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इन सिल्वर फिश स्कॉर्पियन एंड ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन इन सभी में क्या कॉमन है सिक्स्थ इन सभी में क्या कॉमन है बेटा तीनों के पास तीनों ही क्या है है, तीनों के पास जॉइंट अपेंडेजेस एंड काइटनस एक्सोस्केलेटन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ अ फाइलम विथ देयर थ्री एग्जाम्पल्स ठीक है तीनों एग्जाम्पल्स सही मैच्ड है फाइलम के इसमें तीनों सही मैच्ड है वेरी गुड पुरवा रौनित सागर आरती अजीता असद साक्षी कल्याणी विशाल अमित अनु आरती वेरी गुड विशाल ये मोलस्का वाला बिल्कुल सही है हेमी कॉडेट्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड विद द नॉन कॉडेट्स हेमी को आप किसके साथ प्लेस कर दिया है नॉन कॉर्डेट के साथ कर लिया है जो इकाइनोडर्मेटा से क्लोज है ये क्यों क्लासिफिकेशन करा होगा ये ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों करा होगा व्हाट डू यू थिंक तो ये ऐसा क्लासिफिकेशन इसीलिए करा बिकॉज ऑफ दी नोटोकॉर्ड देखो कॉर्डेट का पूरा मतलब ही नोटोकॉर्ड से है ठीक है तो उसमें नोटोकॉर्ड एबसेंट थी इसीलिए इसको नॉन अकोडेट्स में रख दिया पहले इसको कॉडेट में रखते थे लेकिन अब पक्का है कि नॉन कॉडेटा नहीं है ये कॉडेट्स नहीं है ये इसके पास नोटोकॉड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट में रख दिया ठीक है तो ये हमने बेटा पता है आज क्या कंप्लीट कर लिया है हमने यहाँ पर तीन चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं ये क्लास डेली रात को आठ बजे होती है आपको सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना और हमारी क्लास होती है आठ बजे हम अभी तक तीन चैप्टर कर चुके हैं लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू कर, प्ला, कर चुके हैं प्लांट किंगडम के एमसीक्यू कर चुके हैं और आज हमने एनिमल किंगडम के एमसीक्यू कर रहे करे हैं कल शाम को आठ बजे हम किसके एमसीक्यू करेंगे कल हम मॉर्फोलॉजी के करेंगे तो क्लास में आना मत भूलना कल रात को आठ बजे ठीक है तो अब बढ़िया है आपको अगर आज का सेशन बढ़िया लगा है तो लाइक कर दो और कल आ जाओगे आठ बजे हाँ सागर टेन थर्टी पे है पर वो क्लास ठीक है टेन थर्टी पे आना है आज अन अकेडमी पे चलिए बेटा टाटा बाय बाय मिलते हैं फिर बाय बाय